दोस्तों IPL साल 2022 का सीजन शुरू होने में काफ़ी कम समय रह गया है और रिसेंटली हमें जो दो नई टीमें आई थी IPL के अंदर लखनऊ और अहमदाबाद, उनकी तरफ से काफ़ी सारी अपडेट्स देखने को मिलने वाली है। खैर, अहमदाबाद का भी ऑफिशियल नाम रिवील नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया का जो वेस्ट इंडीज़ स्क्वाड है वो बाहर आ गया है और काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स उससे रिलेटेड हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर देते ही रहते हैं। खैर, आज बात करेंगे हम KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में और टीम KKR की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आई है। खासकर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, KKR लाइव डिस्कशन में आएगा और काफ़ी सारी हिंट्स देगा। हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी डाली थी, उसके अंदर से काफ़ी सारी हिंट्स आई है और आज के वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ जो भी टॉप अपडेट्स टीम KKR की तरफ से दिन भर में बाहर निकल के आई है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। इनका नाम है रेडी अन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हो। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं और 100 ब्रांचेस से भी ज्यादा है इंडिया के अंदर। 24/7 का विड्रॉल आपको यहाँ मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ आप काफी सारी डिटेल्स जान सकते हो। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो रेडी अन्ना को। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहाँ बहुत अलग अलग तरीके अपना रहा है जिससे कि उनका फैन बेस भी बढ़े, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़े और टीम भी अच्छी बने और अच्छा परफॉर्मेंस करे साल 2022 के सीजन में। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम KKR को साल 2022 के सीजन में क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे वो बहुत आगे जा पाए। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है लाइव डिस्कशन को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जरूर बताया था कि टीम KKR काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला है जब वो लाइव आएगा फेसबुक। और यहाँ दोस्तों, आप यूट्यूब उनके ऑफिशियल चैनल के ऊपर आपने लाइव अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने जो काफी सारी हिंट्स दी थी उसके अंदर काफी सारे टॉपिक के ऊपर बातचीत की गई थी। इसके अलावा प्लेयर्स के बातचीत की गई थी, रिवाइव पे बातचीत की गई थी, यानी बहुत सारी बातें आपको लाइव डिस्कशन के अंदर देखने को मिली थी। खैर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ KKR काफ़ी सारे प्लान्स तो डिस्कस कर रहा था IPL साल 2022 के सीजन के लिए और मेगा ऑक्शन के लिए भी, बट इस दौरान हमें वेंकी मैसूर, अभिषेक नायर ये दोनों मौजूद दिखे KKR की टीम की तरफ से और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर गौतम भीमानी वहाँ पर मौजूद थे जो KKR की तरफ से इन दो से सवाल कर रहे थे और काफ़ी सारे फैंस को काफ़ी सारे सवाल उनके मनपसंदीदा खिलाड़ियों के रूप में मिले। आगे जो भी अपडेट काफ़ी सारी है वो मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा। अगली अपडेट निकल के आ रही है मॉक ऑक्शन को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मॉक ऑक्शन, मेगा ऑक्शन नहीं। अब काफ़ी सारे लोगों को ये तो पता होगा कि मेगा ऑक्शन क्या होता है, बट उनको ये शायद नहीं पता होगा कि मॉक ऑक्शन क्या होता है। तो रिसेंटली लाइव डिस्कशन के अंदर KKR ने ये साफ कर दिया कि वो मॉक ऑक्शन रखने वाले हैं। तो अब क्या होता है मॉक ऑक्शन? दरअसल दोस्तों, मॉक ऑक्शन ये मेगा ऑक्शन से पहले KKR पर्सनली कंडक्ट कराएगा अपने सोशल हैंडल्स के ऊपर, जिसके अंदर वो अपनी राय जानेगा, अपने फैंस की राय जानेगा, अपने ओपिनियन जानेगा, अपने फैंस के ओपिनियन जानेगा। बट दोस्तों, आपको टू बी श्योर कह दें तो यहाँ KKR के पास कुछ भी क्लू नहीं है कि उनको ऑक्शन में क्या करना है। यही इसीलिए वो मॉक ऑक्शन रख रहे हैं ताकि उनको काफ़ी सारे हिंट्स मिल सके कि वो क्या अच्छे कम पैसों के अंदर ले सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, अगर मॉक ऑक्शन में आप होते हो तो आप KKR को क्या सजेशन दोगे जिससे वो ऑक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है हेड कोच को लेकर। तो दोस्तों, हमने आपको काफ़ी सारे लाइव चैट के बारे में बताया था, हमने ये हिंट दी थी कि इस बारे में डिस्कशन होगा, उस बारे में डिस्कशन होगा। उसके अंदर एक चीज़ ये भी बताई थी कि यहाँ ब्रेंडन मैकुलम KKR की टीम के हेड कोच अब शायद ना रहे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि रिसेंटली KKR ने जो अपनी लाइव डिस्कशन की थी उसके अंदर डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि वो हेड कोच बदलने वाले हैं। अब हेड कोच इंडियन होगा, ओवरसीज होगा, ये हिंट नहीं दी है, बट हेड कोच बदलेगा ये हिंट तो जरूर दी है। देखते हैं ये हिंट होती है या फिर गलत होती है, सही होती है। आप कमेंट करके जरूर बताओ ब्रेंडन मैकुलम KKR के हेड कोच होने चाहिए या इंडियन होना चाहिए, तो कौन होगा, ओवरसीज होगा तो कौन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना।